तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आपके लिए लेकर आया हूँ कोडिंग का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोडशाला। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर फंक्शन फ्रॉम द एक्सरसाइज सुमिता अरोरा टेक्स्ट बुक। उस एक्सरसाइज के एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, फंक्शन चैप्टर के एक्सरसाइज के एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 मैंने इससे पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये कहता है कि फाइंड एरर्स इन द गिवन कोड बिलो। तो जो कोड यहाँ दिया है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है ए बी सी करके, एक एक करके करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है डी ई एफ माइनस टोटल कॉमा डिक्रीमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट्स है। देखें आप फंक्शन हेडर लाइन में यहाँ कॉलन मिसिंग है, कॉलन नहीं देंगे तो इंडेंटेड ब्लॉक नहीं होगा, फिर वहाँ पे एरर आएगा। फिर और एक ले यह है वेरिएबल आउटपुट इज इक्वल टू टोटल माइनस डिक्रीमेंट, जो दो वैल्यू यहाँ रिसीव किया है उन दोनों को माइनस किया है, ये ठीक है, प्रिंट कर दिया आउटपुट, ये भी ठीक है, रिटर्न आउटपुट ये भी ठीक है। तो एक ही एरर रहा यहाँ पे, यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं हम, डिफाइन चेक यहाँ ब्रैकेट दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिफाइन बोल के लिखा है, क्या डिफाइन बोल के होता है पहले या डी ई एफ होता है, आप बताइए। तो एक्चुअल आंसर होता है डी ई एफ। तो यहाँ पे ये अलग, यहाँ पे डी ई एफ होगा, उसके बाद चेक, उसके बाद इंडेंटेशन यहाँ नहीं दिया, जो गलती वहाँ भी था, उसके बाद एन इज इक्वल टू इनपुट एंटर एन, ये ठीक है, आई का लोकल वैल्यू दिया 3, आंसर इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो कैलकुलेट हो पाएगा कोई बात नहीं। रिटर्न स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए थोड़ा, रिटर्न का ये जो आर है ये यहाँ कैपिटल दिया है, ये यहाँ पे स्मॉल होगा। तो कुल मिला के 3 एरर रहे यहाँ पे। ये जो वर्ड है डिफाइन, इसकी जगह कीवर्ड रहेगा डी एफ कॉलन, और ये रहा रिटर्न का आर स्मॉल। अब चलते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है सी वाला। यहाँ पे देखें हम, ये एक फंक्शन है अल्फा और एक है बीटा। तो ये रहा उसका मेन पार्ट, जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट में अल्फा फंक्शन को कॉल किया गया है, वैलेंटाइन डे बोल के आर्गुमेंट भेजा है। मगर थोड़ा देखिए, ये जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में एंड में देखिए, यहाँ पे ये कॉलन है, इट शुड नॉट बी देयर, यहाँ पे ये एक एरर हुआ, कॉलन नहीं होना चाहिए फंक्शन कॉल में। अगर उसके बाद वैलेंटाइन डे आर्गुमेंट पास हुआ, एन पे रिसीव हुआ, स्ट्रिंग का और के का डिफॉल्ट वैल्यू है अपना अपना, फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट में बेटा फंक्शन को कॉल किया गया, वही स्ट्रिंग वैल्यू भेज के, तब हम बेटा फंक्शन में वापस आएंगे। बेटा फंक्शन में हम जब आएंगे, यहाँ देखिए आप, यहाँ भी इसका कॉलम मिसिंग है, तो कॉलम यहाँ देना पड़ेगा इंडेंटेड ब्लॉक बनाने के लिए। फिर रिटर्न स्टेटमेंट में जब आए, स्ट्रिंग इज इक्वल टू एस टी आर ब्रैकेट में एन, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए एस टी आर ब्रैकेट एन लगाए। मगर यहाँ तो स्ट्रिंग का अपना वैल्यू है, ठीक है, ये एन कहाँ से आया, ये जो एन है ये तो यहाँ कहीं ग्लोबली भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक लोकल वैल्यू है एन, बट ग्लोबल वैल्यू चाहिए हमें, नहीं तो इस ब्लॉक में लोकल वैल्यू चाहिए। ग्लोबल वैल्यू चाहिए हमें एन का, नहीं तो इस ब्लॉक में लोकल वैल्यू चाहिए इसका, जो कहीं भी नहीं है। तो यहाँ होगा एन इज नॉट डिफाइंड, एन इज नॉट डिफाइंड, ये एरर आएगा उसका। फिर उसके बाद और एक देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे देखिए ये जो है सेकेंड जो फंक्शन कॉल किया है बेटा में, यहाँ पे ये तो ठीक है स्ट्रिंग जाएगा, यहाँ पे वही एरर वास एन इज नॉट डिफाइंड आएगा। तीसरा फंक्शन कॉल को थोड़ा ध्यान से देखिए, अल्फा एन इज इक्वल टू 5 गुड बाय, एन को जाएगा ये गुड बाय, ये क्या ऐसे संभव है देना, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पहले आ गया, उसके बाद आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आया, तो यहाँ पे ये तो एरर है ही, उसके बाद ये वाला भी एक एरर है, ये वाला कॉलम यहाँ नहीं रहेगा। तो यहाँ भी 2 एरर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, एन को यहाँ 5 दिया और गुड बाय बोल के लिखा, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पहले आ गया पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से पहले, तो इतने सारे एरर रहे यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो जो मैंने एरर ढूंढ के निकाला। अभी चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा है कि ड्रॉ द एंटायर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ऑल द यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स एट द टाइम लाइन नंबर 10 इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे देखिए एंटायर एनवायरनमेंट का मतलब है जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कैसे ये वेरिएबल्स आगे पीछे जाएंगे, कैसे ये आंसर निकलेगा, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले मेन पार्ट ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा ये। तो प्रिंट स्टेटमेंट में दिया है सम फंक्शन का कॉलिंग, सम फंक्शन यहाँ पे है, ये चारों वैल्यू ए बी सी डी सीरियली ए बी सी डी में आके ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट एक लोकल वेरिएबल है जिसका वैल्यू जीरो होगा, फिर जो हमने यहाँ असाइन किया है जीरो, फिर रिजल्ट का वैल्यू इन चारों को जोड़ के नेक्स्ट डिसाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा उसका वैल्यू इसी लाइन पे, मतलब इसी प्लेस पे। फिर लेंथ फंक्शन कॉल होगा, लेंथ फंक्शन का वैल्यू जो है आप देख सकते हैं रिटर्न कर रहा है 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड जो है मेन फंक्शन जब कॉल होगा, मेन फंक्शन में ए बी सी डी का जो वैल्यू यहाँ भेजा गया है उनको इस फॉर्मूले में डाल के सम फंक्शन में कॉल करेंगे। पहले सम फंक्शन का जो वैल्यू आया, फिर लेंथ फंक्शन का वैल्यू जो है 4 आया, डिवाइड बाई 4 करके उसका जो आएगा आंसर वो आ जाएगा इधर। तो फाइनली इसी तरह से ये एग्जीक्यूशन होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला है इन द फॉलोइंग कोड विच वेरिएबल्स आर इन द सेम स्कोप। स्कोप ऑफ ए वेरिएबल का मतलब क्या है, उसका मतलब ये होता है कि इन द ब्लॉक वेयर इट इज लीगल एंड एक्सेसिबल। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन लिखा गया है, यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स है ए और बी, यहाँ सी डी, दोनों का स्कोप अपने अपने ब्लॉक में सेम है। जैसे कि इन दोनों का ए और बी का स्कोप इसी ब्लॉक के अंदर सेम है, और सी एंड डी बोथ आर इन द सेम स्कोप ऑफ एफ यू एन सी 2। ये एफ यू एन सी 1 में ए बी का और एफ यू एन सी 2 में सी डी का सेम स्कोप है। बहुत ही आसान सा सवाल था। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में ये कहा है कि राइट ए प्रोग्राम विद ए फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एंड प्रिंट्स द नंबर दैट फॉलोस आफ्टर इट, कॉल द फंक्शन विद द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। ये सब नंबर देके हम उसको कॉल करेंगे। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले एक नंबर इनपुट ले लेते हैं, एंड इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर ए नंबर, एंटर एन इंटीजर। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे फाइंड नेक्स्ट बोल के एक फंक्शन, उसने एन को भेज दिया। तो यहाँ पे डी एफ फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट फंक्शन जब कॉल करेंगे यहाँ पे एन को यहाँ भेज दिया, फिर यहाँ प्रिंट कर देंगे उसका आपका नेक्स्ट वाला एन प्लस वन वाला वैल्यू। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा हमने कोड लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोला है नेक्स्ट वाला नंबर खाली निकालो जो कि उसके बाद आता है फॉलो आफ्टर इट, तो ये वाला होगा ऐसे। तो यहाँ पे अब जब कॉल करेंगे, यहाँ बोला है 4 लेके तो 5 प्रिंट होगा, 6 लेके जब कॉल करेंगे तो 6 + 1 = 7 प्रिंट होगा, 8 लेके कॉल करेंगे तो यहाँ पे 9 प्रिंट होगा। आपको मैं आउटपुट में स्क्रीन में दिखा देता हूँ, आप देखिए सामने। क्वेश्चन 16 में बोला है कि सेम प्रोग्राम का
नॉन वॉइड फॉर्म लिखिए। नॉन वॉइड फॉर्म होगा मतलब ये रिटर्न करेगा वैल्यू, तो इसी में ही अगर चेंज ना करके मैं थोड़ा साइड में इसी का ही नॉन वॉइड फॉर्म को अगर लिखूँ, तो ये जो क्वेश्चन 16 है उसके लिए, तो मैं ऐसे लिखूँगा DEF फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे एम को भेजा, उसके बाद रिटर्न यहाँ पे कर देंगे एन प्लस वन, और यहाँ पे मेन पार्ट में यहाँ पे मैं थोड़ा चेंजेस करूँगा। मेन पार्ट में जब फाइंड नेक्स्ट फंक्शन को यहाँ एन भेजा है उसको RES में रिसीव करूँगा और प्रिंट करूँगा अभी RES। इनपुट वाला स्टेटमेंट दोनों के लिए सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, ये n इज इक्वल टू इनपुट एंटर इंटीजर उसके लिए भी सेम रहेगा, बस ये जो फंक्शन कॉल हुआ उसका वैल्यू को होल्ड करना पड़ेगा RES में, और एक वेरिएबल में होल्ड करके उसको प्रिंट करना होगा और वहाँ से रिटर्न करवाना होगा क्योंकि ये नॉन वॉइड फंक्शन बोला है। 17 में दो आउटपुट क्वेश्चन दिया है, ये बोला है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स। नंबर वन में यहाँ देख सकते हैं हम इंक्रीमेंट बोल के एक फंक्शन है जिसको कॉल किया गया है। देखिए पहले लिस्ट एक ले लिया गया, वन टू और थ्री बोल के तीन आर्ग्यूमेंट्स है जिसका कि इंडेक्स मैंने ऐसे बना दिया। इंक्रीमेंट फंक्शन में इस लिस्ट को भेजा गया, तो यहाँ पे एन में रिसीव हो गया ये, अभी ये लिस्ट वन टू थ्री। अभी जब इसमें अपेंड किया जाएगा, इसमें डॉट अपेंड कर देंगे, इसमें डॉट अपेंड फोर जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा ना, इस लिस्ट को ऐसे बना देगा कुछ वन टू थ्री, और ये बन जाएगा ऐसे फोर, ये बन जाएगा। जब रिटर्न होगा एन तो एम में आके रिसीव होगा, एम का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये जो रिटर्न एन किया तो इस जगह पे आके ये रिसीव होगा वन टू थ्री स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फोर। तो और अभी अब जब प्रिंट करेंगे एल और एन, जब दोनों प्रिंट करेंगे एल एक यहाँ पे म्यूटेबल टाइप का है, एल जो है यहाँ पे म्यूटेबल टाइप का है, इसीलिए अगर इसमें भेज के फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे तो उस पर वो इफेक्ट पड़ेगा। तो एल का वैल्यू भी अभी वन टू थ्री नहीं, बल्कि अभी एल का वैल्यू भी हो गया है वन टू थ्री और स्क्वायर ब्रैकेट में फोर। तो जब प्रिंट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू प्रिंट होगा, तो यहाँ पे आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, इसका आउटपुट मैं इस तरफ लिख देता हूँ। ये आएगा प्रिंट एल, एल का वैल्यू आएगा वन टू थ्री स्क्वायर ब्रैकेट में फोर, उसके बाद एम का वैल्यू भी वही आएगा वन टू थ्री स्क्वायर ब्रैकेट में फोर। उसके बाद अभी हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू 17 का। यहाँ पे देखिए एल बोल के एक लिस्ट दिया है जिसका वैल्यू लिखा है कुछ ऐसा 23, 35, 47, ठीक है। फिर इस एल को इंक्रीमेंट फंक्शन में भेजा गया, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, एल गया रिसीव हुआ एन में, एन में हमने फिर अपेंड कर दिया 49। तो यही जो वैल्यू 23, 35, 47 अभी एन में है, एन में अभी अपेंड हो गया, डॉट अपेंड हो गए 49 जुड़ गया हमारा। ये जब ऐसे होता है तब क्या होता है ना, ये बन जाता है ऐसा 23, 35, 47, 49 जो कि एक लिस्ट के अंदर रहेगा 49, ये रहेगा। अभी एन बन गया ऐसा, अभी एन जो है बन गया ऐसा। अभी रिटर्न जब किए एन ऑफ जीरो, एन ऑफ वन, एन ऑफ टू, एन ऑफ थ्री, चार वैल्यू अलग अलग रिटर्न किया गया, तो इंडेक्स जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री है। तो एन ऑफ जीरो जब रिटर्न हुआ और वन टू थ्री ऐसे सीरियली चार रिटर्न हुए, यहाँ भी वैसे चार अलग वेरिएबल रखा गया है चारों को होल्ड करने के लिए। सीरियली जो लेफ्ट साइड से जैसे रिटर्न हुआ, यहाँ भी सीरियली लेफ्ट साइड से वो रिसीव करने लगेगा, तो एम वन में आ जाएगा हमारा क्या, एम वन में आ जाएगा एन ऑफ जीरो आ जाएगा, फिर एन ऑफ वन आ जाएगा हमारा एम टू में, फिर एन थ्री में आ जाएगा, एम थ्री में आ जाएगा एन ऑफ टू, और एन ऑफ थ्री आ जाएगा आपका एम फोर में। जो यहाँ से रिटर्न होगा बिल्कुल यहाँ पे रिसीव होगा ये चारों वैल्यू, ये जो चारों वैल्यू है यहाँ रिसीव होगा और ये चार वेरिएबल में अलग अलग स्टोर होगा। उसके बाद हम प्रिंट किए एल, एल
यहाँ पे बदल चुका होगा क्योंकि L इज ए वेरिएबल ऑफ म्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल टाइप का वैल्यू जब फंक्शन कॉल में पास किया जाता है और फंक्शन डेफिनेशन में कोई भी बदलाव किया, जैसे यहाँ हमने अपेंड किया उस वैल्यू में, तो वो चेंजेस मेन प्रोग्राम में अप्लीकेबल हो जाता है। मेन प्रोग्राम में भी वही चेंजेस पूरा रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे L का वैल्यू जो 23, 35, 47 था अभी बन चुका होगा ऐसा। तो L का वैल्यू भी अभी प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा कुछ, इसका आउटपुट जो है आपका आएगा, प्रिंट L करेंगे तो आ जाएगा हमारा 23, 23, 35, 47, 49। ये आ गया आपका पहला आउटपुट। उसके बाद M1, M2, M3, M4 चारों अलग अलग प्रिंट किए, तो ये पहले आएगा ऐसे 23, 35, 47, फिर आपका आएगा 49 जो है लिस्ट के अंदर आएगा। देख पा रहे हैं आप, अभी लास्ट एक दिया है L of 3 is equal to M4। L of 3 जो है, लिस्ट ऑफ 3 कौन सा है हमारा, 49 है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब लिस्ट के फॉर्म में। L ऑफ 3 जो है वो M4 से इक्वल होगा क्या? हाँ, क्योंकि M4 में है N of 3, N of 3 भी वही 49 है, तो यहाँ आएगा ट्रू, क्योंकि N का वैल्यू जो है L का वैल्यू भी वही है यहाँ पे, तो दोनों का वैल्यू जो है हमने मैच करवाया तो सेम आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा एनालिसिस समझ में आया होगा, और आपको अगर किसी भी मेरे बताए गए क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो कमेंट में लिख के मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब बहुत जल्दी और ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम देखेंगे दूसरा जो वीडियो हमारा आएगा इसके ऊपर, इसके जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।